मैं अक्सर सोचता हूँ शिया भी अजीब है, जवान बेटा मर जाए तो हुसैन के अकबर पर गिरिया करते हैं, अपना बच्चा मर जाए तो हुसैन के असगर पर रोते हैं, बुजुर्ग चला जाए तो हुसैन पर आहू बुका करते हैं। हद तो यह है कि बेटे के सर पर सेहरा सजाते हैं और हसन के कासिम पर गिरिया करते हैं। कैसी ही मुसीबत में क्यों ना हो, मुहर्रम आते ही बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं। बेटी को सर पर चादर लिए देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, ठंडा पानी पीते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। लोग इन्हें रोने धोने वाली कौम कहते हैं। हद तो यह है कि इन्हें ये इल्जाम भी अच्छा लगता है क्योंकि इसकी नस्बत भी हुसैन से है। ये रियासत और कौम से कुछ नहीं मांगते, बस यही चाहते हैं घर इमाम बारगा गली और बाजार में इन्हें हुसैन पर रोने दिया जाए। अजीब है हुसैन के दुश्मन भी जो हुसैन पर रोने से रोकते हैं। सोचता हूँ शिया भी अजीब है, दिल में मोहब्बत की ऐसी चिंगारी लिए फिरते हैं कि अपनों को भूल जाते हैं, मगर खातिमुल अंबिया की दुख्तर के फरसंद का गम सीने से लगाते हैं। दुनिया वालों को अपने आमाल से जन्नत पे जाने पे भरोसा होगा, बाखुदा हम अपने सीने में हुसैन की मोहब्बत और आंखों में ये आंसू रखते हैं। रोजे महशर हुसैन के दादा की शफात के उम्मीदवार हैं। वैसे कितने अजीब हैं ये शिया भी, मर जाते हैं कट जाते हैं मगर रोने से नहीं रुकते। माँ और बाप पर सलाम जिन्होंने हुसैन का आजादार बनाया। Yeah.